पापा, वो आसमान में क्या दिख रहा है? वो इंद्रधनुष यानी रेनबो है, उसमें 7 रंग हैं उस रेनबो में। चलो बताओ तो उसमें कौन कौन कलर तुम्हें दिख रहे हैं? हाँ पापा, उसमें वाई भी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड है। ठीक बताया ना पापा? पापा, अभी तो मैं देख के बता दिया, लेकिन मैं बाद में इसे भूल जाऊंगा। तुम कुछ आइडिया बता सकते हो क्या, जो मुझे जिंदगी भर याद रहे और मैं कभी नहीं भूलूं? हाँ, ये तो बहुत आसान है। देखो, सारे कलर्स के तुम्हें स्पेलिंग तो याद है, सबका फर्स्ट लेटर तुम चुन लो और इसके बाद एक शब्द बनता है विबग्यो, VIBGYOR। भी फॉर होता है वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड होता है। तो सबके जब हम लोग पहले लेटर सिलेक्ट करेंगे तो होगा विबग्योर, VIBGYOR। ये तुम याद कर लो तो तुम्हें सारे कलर रेनबो के याद रहेंगे। और अगर हिंदी में तुम्हें बताना पड़े तो मालूम है क्या करोगे? हिंदी के लिए जो हिंदी नाम है रंगों के, उनके फर्स्ट लेटर याद कर लो। तो उसके लिए बैनी आह, बैनी जाहती नाला, बै से होता है बैगनी, बैगनी का फर्स्ट लेटर बै, बैगनी। जा से जामनी, आ से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। ठीक है पापा, मैं बताता हूँ। विप ग्योर, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। और हिंदी में बै नी जाह पी नाला, बै से बैगनी, नी से नीला, जा से जामुनी, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। ठीक बोला ना पापा? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इस तरह केवल अगर तुम दो लेटर याद कर लोगे, दो वर्ड याद कर लोगे, बैनी आपी नाला और वीप ग्योर, तो तुम्हें सारे कलर्स के नेम जो रेनबो में होते हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद हो जाएंगे। ये तुम खुद भी याद करना और जो तुम्हारे दोस्त टीवी हमारा चैनल देख रहे हैं उनको भी कह देना याद कर ले। ठीक है?
ओके पापा, तो मैं भी याद कर लूँगा, मुझे तो याद ही हो गया, और मेरे दोस्त जो ये चैनल देख रहे हैं वो भी याद कर लेंगे, है ना दोस्तों? बाय बाय दोस्तों।